नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र चौधरी और आज हम ले आए हैं किया का लेटेस्ट प्रोडक्ट। जी हाँ, किया का लेटेस्ट प्रोडक्ट, किया की सोनेट कार। जी हाँ, किया का बिल्कुल लेटेस्ट जीटी लाइन प्रोडक्ट है ये, और बेहतरीन कारीगरी का नमूना जो किया ने पेश किया है। बहुत ही सुंदर लुक और बहुत ही अट्रैक्टिव फीचर जो किया ने दिए हैं, और देखने में गाड़ी बहुत सुंदर है। इस सेगमेंट की वेन्यू हो या i20 हो या हो ब्रीजा, सभी को ये गाड़ी मात देती है लुक वाइज और फीचर वाइज भी। और गाड़ी में जो फीचर्स आपको मैं दिखाऊं कि स्टीयरिंग कंट्रोल, ये तो जीटी लाइन मॉडल है, तो इसमें स्टीयरिंग ऑडियो कंट्रोल, स्टीरियो, पुश स्टार्ट बटन, पावर विंडोज, तकरीबन सारे के सारे फीचर कंपनी ने दे दिए। जो गाड़ी में मैं आपको अच्छी तरह इसका रिव्यू देने की कोशिश करता हूँ। ये किया सोनेट का बेस मॉडल भी मार्केट में आ चुका है, तो सारी ही गाड़ियाँ हमारे पास आ रही हैं। किया का बहुत ही सुंदर प्रोडक्ट, इसकी आप ये टेल लाइट देखें, पूरी लाइट इन्होंने जो दी है, एकदम स्पोर्टी लुक। और ये कैमरे की फिटिंग जो इन्होंने दी है, एकदम प्रॉपर फिटिंग के साथ। गाड़ी में रेड कलर को थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए यूज़ किया गया, जैसे ये डिफ्यूज़र के अंदर इन्होंने रेड कलर की लाइन लगाई है। और बूट स्पेस की इसकी बात करें हम, तो बूट स्पेस भी में काफ़ी सारा दिया गया। बूट स्पेस की बात करें तो लगभग जितना क्रेटा का बूट स्पेस है उतना ही बूट स्पेस इसमें दिया गया। और इसमें पार्सल ट्रे भी लगा दी गई है, जैसे क्रेटा या वेन्यू में लगी होती है, प्रॉपर फिटिंग के साथ। और इसमें भी किया का दी गई है बैजिंग। ये सब कुछ शोरूम फिटिंग है, हमने इसमें अभी तक कुछ नहीं लगाया। इसमें हमने लगा रहे हैं सिर्फ डोर वाइज़र जो हमारे पास अवेलेबल हैं, क्रोम लाइनिंग के साथ, बेहतरीन प्रोडक्ट। और इसके सीट कवर दिखा दूँ, सीट कवर जो हैं इसके एयर प्रोफेशन वाले हैं, जो वेंटिलेटेड सीट इसके अंदर कंपनी ने दे दिए हैं। और ब्लैक और रेड की स्टिचिंग के साथ बेहतरीन कम्बिनेशन जीटी लाइन। और जो गत्ते में भी काम किया गया है, डोर्स में काम किया गया लाइनिंग के साथ, बहुत ही प्यारा। और ये जो सिल्वर आइटम दी गई है क्रोम के हैंडल में, एक अट्रैक्टिव लुक इसको बना देती है। और स्टीरियो आप देख रहे हैं, जैसे सेल्टोस में दिया गया है स्टीयरिंग कंट्रोल, बहुत सारी आइटमें। और सबसे खास चीज़ जो इसके अंदर दी गई है, सनरूफ। जी हाँ, सनरूफ भी इसके अंदर डाल दी गई है, एक किया का बेहतरीन प्रोडक्ट जो मार्केट में आ गया। और सबसे बड़ी चीज़ जो बताऊँ, सबसे पहले हम बात करते हैं म्यूज़िक सिस्टम की। तो इसमें जो ये स्टीरियो दिया गया, बहुत अच्छा टच स्क्रीन स्टीरियो दिया गया। इसमें वीडियो, यूट्यूब वगैरह, गूगल प्ले वगैरह नहीं चलता है, स्टीयरिंग ऑडियो कंट्रोल पूरी तरह से काम करता है। और इसके अंदर जो स्पीकर्स दिए गए हैं, वो बॉस के स्पीकर्स दिए गए हैं, बॉस का जो म्यूज़िक सिस्टम दिया गया, और स्टीरियो भी बॉस का इसमें दिया गया। बेहतरीन नाइट में बेहतरीन चीज़ जो इसके अंदर लगाई गई है, गूगल मैप वगैरह आप इसके अंदर ईजिली चला सकते हैं। इसका जो मैप होता है वो इनबिल्ट होता है, जैसे वेन्यू, जैसे वेन्यू या हुंडई गाड़ी में ब्लू लिंक का ऑप्शन आता है, इसके अंदर यूओ कार का ऑप्शन आता है, जो कि बेहतरीन अच्छी आइटम है। और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आप देख रहे हैं, बटन भी बहुत स्टाइलिश दिए गए हैं। स्टीयरिंग कंट्रोल बहुत ही शानदार दिए गए हैं, सिल्वर क्रोम के साथ दिए गए हैं, क्रोम फिनिश के साथ, जो बेहतरीन लुक है। और स्टिचिंग देख रहे हैं, जैसे हम आपको दिखाते हैं, ये कंपनी फिटिश स्टीयरिंग ऑडियो कंट्रोल की स्टिचिंग की गई है, तो हर चीज़ में बिल्कुल कारीगरी। और ये ऑटोमेटिक गाड़ी है, जिसमें आपको पावर सॉकेट भी मिलता है, यूएसबी पोर्ट मिलता है, और यूएसबी चार्जर भी आपको मिल जाता है। और सनग्लास होल्डर, सनरूफ आप देख ही रहे हैं, जो पूरी की पूरी ऑटोमेटिक सनरूफ है। खोल के मैं ओपन करके दिखा दूँ आपको, देख रहे हैं आप सनरूफ। तो किया ने अपने इस छोटे से मॉडल के अंदर तकरीबन लग्जरी गाड़ी का हर फीचर देने की कोशिश की है। और इसमें वायरलेस चार्जर भी दिया गया है। जी हाँ, कहाँ दिखाई कहाँ वायरलेस चार्जर, इसमें प्रॉपर वायरलेस चार्जर भी दिया गया, जो प्रॉपर फिटिंग के साथ है। ये देखिए, वायरलेस चार्जर भी स्लॉट के साथ दिया गया, प्रॉपर फिटिंग के साथ। तो किया ने कहीं भी कोई कसर नहीं छोड़ी है इस गाड़ी में कोई कमी करने के लिए। ऑटो डिमिंग मिरर तक किसने दिया है, तो बेहतरीन चीज़। तो अब इसके ऑनर से हम इनका रिव्यू लेते हैं कि गाड़ी उन्होंने कितने की ली
और कितने की पड़ी, और ये गाड़ी लेने से पहले उन्होंने क्या क्या सर्च किया। नमस्कार जी। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष है और मैं जनकपुरी दिल्ली से रहता हूँ। और इसके पहले मैंने शैलेंद्र जी के बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, बहुत ही ऑनेस्टली और बहुत ही अच्छे रिव्यू मिलते हैं इनके वीडियोस को, जो कि मैंने क्रेटा का इनका वीडियो देखा, जो एसेसरीज है ई मॉडल डीजल और ईएक्स मॉडल भी, वो भी सर्च किया। मार्केट में इन्होंने नेक्सॉन का वीडियो, वो भी मैंने सर्च किया बहुत एसेसरीज का। फिर मैंने वेट किया, लॉकडाउन के वजह से वेट किया, गाड़ी लॉन्च होने वाली थी सोनेट, तो सोनेट का इनके भी रिव्यू देख लिया मैंने, बहुत अच्छे वीडियोस डाले, तो मेरा इनका अट्रैक्शन मेरा सोनेट पे चला गया, क्योंकि इसका मस्कुलर लुक है और इनकी बॉडी जो है 2005 का ग्राउंड क्लियरेंस है और पूरा मतलब भर भर के फीचर्स दिए हैं इन्होंने, और यूवीओ ऐप कनेक्टेड है, जीपीएस एक्टिवेटेड है, पूरे फीचर्स है, और बच्चों के लिए सनरूफ है ऊपर, बहुत अच्छा सनरूफ दिया इन्होंने छोटी कार में, कॉम्पैक्ट एसयूवी में, और एसी बहुत पावरफुल है इसका, और किया ब्रांड नेम काफ़ी है, जो कि आजकल हर एक गाड़ी को ये कम्पीट कर रही है, और इनका रिकॉर्ड सेल है, जैसे कि सेल्टॉस ने एक साल में वेन्यू को हुंडई और मारुति को भी पीछे छोड़ रखा है। हो सकता है सोनेट का भी सेल एक महीने में सेल इतना हो गया इनका कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया इन्होंने सोनेट का। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, मुझे प्राइस वेरिएशन बताएं क्रेटा में, सेल्टॉस में, वेन्यू में, और ये सोनेट के अंदर और नेक्सॉन के अंदर भी, क्या आपको प्राइस वेरिएशन क्या क्या मिला और क्या आपकी सोच रही? ये गाड़ी कितने की पड़ी पहले आपको, गाड़ी मॉडल बताइए पहले। ये गाड़ी मेरी जीटी एक्स प्लस है और ये टॉप मॉडल है और ये 7 DCT है, ये फुल्ली ऑटोमेटिक गाड़ी है, और इसमें जो है मेरा प्राइस जो है 15,05,000 इतना गया है मेरा। मैंने 5 साल का एक्सटेंडेड इंश्योरेंस ले रखा है इसमें और पूरा फीचर्स ले रखे गाड़ी के, मतलब तो 15,05,000 ऑन रोड मुझे आई है गाड़ी, मैंने गुड़गांव से ली है गाड़ी, और इसमें मुझे इंश्योरेंस का थोड़ा रिबेट मिल गया। अगर गुड़गांव से गाड़ी लेते हैं तो आपको आरटीआई 2-3 चीजें एक्स्ट्रा मिल जाती है, जो दिल्ली के शोरूम्स वाले नहीं देते हैं, 2-3 चीजें दे देते हैं। अगर नेक्सॉन से आप कंपेयर करोगे, नेक्सॉन में प्राइस वेरिएशन इतना ही है, लगभग 20-30 हज़ार का फर्क है। टॉप एंड मॉडल में जाते हो, सनरूफ वाले मॉडल में जाते हैं, ऑटोमेटिक में जाते हैं, उसमें इतना है कि उसमें एएमटी है और ये डीसीटी है। एएमटी से डीसीटी फार बेटर देन एएमटी, डीसीटी अच्छा वर्जन है और इसमें प्राइस 20 हज़ार का फर्क है। और क्रेटा से आप कंपेयर करोगे, क्रेटा तो आपको अबव 4 मीटर मिलेगी बट उसमें फीचर्स नहीं मिलेंगे। ये एएमटी और जो डीसीटी, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताइए। हाँ, एएमटी ये ऑटोमेटिक मैनुअल टेक्नोलॉजी, ऑटोमेटिक मैनुअल टेक्नोलॉजी है। तो एएमटी जो नेक्सॉन में आती है, उसके बारे में मैंने शैलेंद्र जी का भी वीडियो देखा, ऑटोमेटिक का वीडियो देखा, जो एटी आती है, डीसीटी आती है, डीएसजी आती है, तो बहुत सारे इसमें फर्क है, और सीवीटी भी आती है। तो एएमटी टेक्नोलॉजी से डीसीटी बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। इन्होंने पुराने डीसीटी में जो हुंडई की आती थी, तो इसमें इस डीसीटी में बहुत सारे चेंजेस किए हैं, जो कि मेंटेनेंस कॉस्ट इसका अभी कुछ भी नहीं है, तो 5 साल का इंश्योरेंस आप ले ही रहे हो, तो पूरा कवरेज में आता है आपका डीसीटी का। और ऑटोमेटिक दिल्ली जैसे सिटी में डीसीटी चलाने का मजा ही कुछ और है, जो कि आपके लेफ्ट पैर पे कोई टेंशन नहीं आएगा, आपका हाथ खुला रहेगा, आपका पैर खुला रहेगा लेफ्ट साइड वाला, आप आराम से ड्राइव कर पाओगे, आराम से ऑपरेट कर, गाड़ी चलाने में ज्यादा थकावट नहीं होगी, थकावट नहीं आती, जो यहाँ पे बम्पर टू बम्पर गाड़ियां चलती है दिल्ली में, तो ज्यादा थकावट नहीं रहेगी इसमें। चलो, आप मतलब किया सोनेट लेने की सलाह देते हैं सबको? मैं किया सोनेट ही लेने, आपने पूरी मार्केट सर्च किया है, पूरी मार्केट, पूरी आरएनडी किया आपने, पूरी आरएनडी किया है, सिर्फ इसमें नेक्सॉन के मुकाबले एक ही चीज है, नेक्सॉन को 5 रेटिंग मिला है, 5 स्टार रेटिंग मिला है, जो ग्लोबल एनकैप रेटिंग है। सोनेट का भी, सोनेट का आना बाकी है, मैं होप करता हूँ इसको भी 5 स्टार मिले, बट 4 स्टार भी ठीक है। चलो ठीक है, तो आपने देखा हमारे कस्टमर का रिव्यू, तो आप लोग भी पूरे मार्केट में सर्च करें और अपनी पॉकेट के हिसाब से जो भी गाड़ी लें सोच समझ के लें। फेस्टिवल सीजन आ गया, सभी लोग बढ़िया बढ़िया गाड़ी ले रहे हैं, तो आप गाड़ी लेके हमारे पास जरूर आएं। मैं क्लासिक कार रमेश नगर से शैलेंद्र चौधरी बात कर रहा हूँ, धन्यवाद।